सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं सतप्रकाश पाल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से सहायक आचार्य। मैं पहले तो इस साहित्यिक बतकही पेज का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यह मौका मुझे दिया। आज जो हमने विषय चुना, मैं आपसे कहूँ कि एक दिन ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा था तो रहीम पे चर्चा हुई। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ विषयों को नहीं पढ़ते हैं, और आज मैं कुछ छात्रों से बात कर रहा था विभाग में, तो हुआ कि एक खांचे में हम बंध गए हैं, उससे हम बाहर लोग हम नहीं निकल पाते। मैं अपनी बात रहीम के दोहों से शुरू करूंगा, और उसमें जो मैंने विषय चुना, विषय तो व्यापक है, एक घंटे में क्या ही हो पाएगा, जितना होगा, लेकिन मैंने रहीम के दोहों को प्रबंधन क्षमता से के नज़रिए से देखा, और मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों जो तुलनात्मक विषय होते हैं उनको उनके साथ हम बात नहीं कर पाते, लेकिन मेरा मानना है कि हम हिंदी के विद्यार्थी भले हैं, लेकिन हम साइंस मेडिकल प्रबंधन क्षमता जो है उससे बात करनी चाहिए। मेरे यहाँ, मैं जहाँ रहता हूँ, BHU में एक डॉक्टर साहब हैं, आए सर्जरी के, वो BHU में ही हैं। उन्होंने कहा मुझसे एक दिन कि सतप्रकाश जी, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी को सर्जरी से जोड़ा जाए। हमने कहा बिल्कुल सर, जो शैल चिकित्सा है आयुर्वेद का, उसको सर संदर्भ में हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आज मैं रहीम के दोहों में जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन क्षमता है, उन्होंने अपने समय में, जो उनका समय 1556 से जो 1627 का है, जब मुगलों का एक प्रकार से कहा जाए कि आतंक था, और पूरे एक जो संस्कृत को लेकर जो एक धुंध थी, और जो सांस्कृतिक एक तरह कहा जाए जो सांस्कृतिक संक्रमण का दौर था, उस दौर में रहीम किस प्रकार अपनी बात कहते हैं। और कहा जाता है कि रहीम के दोहे नीत परक हैं, और उनके जो मैं पढ़ पाया या समझ पाया कि उनके दोहे जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और आज के इस समय में देखा जाए कि जब कुछ भी होता है, कोई एक खास संदर्भों में बात किया जाता है, तो हम कोरोना को लेकर बात करते हैं, हम ऊंच नीच की बात करते हैं, हम बड़े छोटे की बात करते हैं। और मैं जब पढ़ रहा था रहीम को, और रहीम को पढ़ने का पीछे एक प्रदेय था कि कई बार मैंने गुरु लोगों से सुना था, तो मैंने कहा कि एक बार रहीम की जो समय की बात है, मित्रों मैं समय कह रहा हूँ तो ख्याल करिएगा, समय के साथ साथ कैसे हम सामाजिक जीवन, और उस सामाजिक जीवन में एक जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उनसे हम कैसे कई लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, अपनी बात कहते हैं, उनकी सुनते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो समाज और संस्कृति है, उसका एक जो संबंध है, वह संबंध किस प्रकार रहीम एक दूसरे को जोड़ते हैं। और ख्याल करिएगा, रहीम के दोहे सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक मूल्यों के साथ आते हैं। और इतना ही नहीं, उनके दोहों में तो कहूँगा कि इन सबका अक्षय भंडार है। अगर हम नए नज़रिए से देखें, मित्रों मैंने एक देखने की कोशिश की है, मैं नहीं कहूँगा मैं बिल्कुल सत्य ही कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जिस दृष्टि से देखी है, देखा, वह बात आपके सामने रखूँगा। जैसे मैं अगर शुरू करूँ तो आज का जो युग जमाना है, उस पर अगर बात किया जाए, तो सबसे पहले तो रहीम को हम जब पढ़ते हैं, तो रहीम का एक दोहा है, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भौरी के भय नदी सिरावत मौर। अर्थात उन्होंने कहा कि काम पढ़ने पर, और मित्रों मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी बात उनके दोहों से ही मैं करूंगा या रखूंगा, क्योंकि मेरी आदत है, जो हमारे विद्यार्थी मित्र जुड़े होंगे जानते हैं कि मैं कक्षा में भी अपनी बात टेक्स्ट बुक से ही करता हूं। तो मैं उनकी रहीम के संदर्भों में कह रहा हूं कि उनके दोहों के साथ मैं आपसे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि काम पढ़ने पर, अब ये देखिए जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये हमारे जीवन में बहुत बार होता है। और उन्होंने कहा कि जो काम पढ़ने पर, जो आप लोग जो आपकी चापलूसी करते हैं,
मान सम्मान करते हैं, लेकिन काम निकल जाने पे पहचानते नहीं हैं, इनकार कर देते हैं। यही तो है आज का वास्तविक लोक व्यवहार जिसकी बात रहीम कर रहे थे। ख्याल करिएगा कि रहीम के दोहों की जो मैं प्रबंधन की बात किया कि किस प्रकार वो मैनेजमेंट करते हैं, सोचते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं तो आप भी देखते होंगे जो कोई आपके पास आता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, आपसे कुछ ऐसा कहता है कि आप उसके बहकावे में आ जाएं, लेकिन जैसे काम निकलता है वह क्या करता है, आपको छोड़ के चला जाता है। लेकिन उन्होंने जो अंतिम लाइन कही इस दोहे की कि रहीमन भौरी के भय नदी सिरावत मौर, ख्याल करिएगा उन्होंने लोक से ही उदाहरण दिया। और बहुत लोग जानते होंगे इस बात को कि जैसे विवाह का जो मांगलिक कार्य होता है, दूल्हे के सिर पर जो मौर रखा जाता है, मौर आप देखे होंगे लंबा सा मौर, जिस दिन उसकी शादी होती है उस दिन उस मौर की बहुत कीमत होती है। माली लेके आता है अक्सर गांव में, अब तो लोग बाजारों से खरीदने लगे हैं क्योंकि हम बाजार के हो गए, पहले बाजार हमारा हुआ करता था, वो अलग मामला है। लेकिन जब मौर दुल्हा उस दिन अपने सर पे रखता है, उसको गाड़ी से गांव से बचलाते ले जाता है जहां शादी होनी होती है, लेकिन मित्रों जब अगले दिन शादी हो के वह लौटता है तो ख्याल करिए अगर विवाह के बाद वह जो मौर होता है तुच्छ समझ के नदी में बहा दिया जाता है, जिसकी बात रहीम ने की, वो यही ना कहते कि लोक व्यवहार जो है जब तक आपसे काम निकलवाना है तब तक तो आप बहुत बेहतर हैं, सबसे अच्छे हैं। लेकिन जैसे उन्होंने उदाहरण दिया मित्रों, लोक से क्या उदाहरण दिया, अर्थात उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो हम लोग नहीं जानते, उन्होंने ऐसी ही बात कही जो कि हम उसको सबके घर में विवाह शादियां होती हैं और उस मौर की कीमत आप लोग जानते हैं। यही नहीं, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो रहीम के हवाले से आपकी बात मैं पुख्ता कर रहा हूं। अब जैसे उन्होंने कहा कि कमजोर लोगों की, जो ताकतवर लोग हैं कमजोर लोग हैं, अगर दोनों की दोस्ती हो जाए तो क्या निभा सकती है, तो रहीम ने कहा कैसे निभे निबल जन करी सबलन सो गैर, रहीमन बस सागर भी से करत मगर सो बैर। अर्थात रहीम का कहना है कि अगर समुद्र में आपको रहना है तो हम लोग अमूमन जीवन में ही कहते हैं कि भैया जल में रह के मगर से बैर नहीं कर सकते। रहीम ने यही बात कही, उन्होंने कहा कैसे निभे निबल जन करी सबलन सो गैर, रहीमन बस सागर भी से करत मगर सो बैर। ख्याल करिएगा उन्होंने कहा कि पानी में रह के आप मगर से दुश्मनी नहीं कर सकते, क्योंकि पानी मगरमच्छ की असली ताकत है, वहां आप अगर लड़ेंगे तो हार जाएंगे। ख्याल करिएगा मित्रों, जब मैं ऐसा बात आपसे यह शेयर कर रहा हूं तो स्वाभाविक है कि मैं आपसे यह भी कह रहा हूं कि जो रहीम ने पूरे समाज का खाका खींचा, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि वे जिस प्रकार हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में आते हैं, व्यवहार अगर मैं कह रहा हूं तो स्वाभाविक है कि जैसे हम जीवन जीते हैं और जीवन जीने की जो हमारी आपकी शैली है उसमें अनेक ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे हमारा रोज रिश्ता नाता जुड़ता है, मनमुटाव होता है और यह जीवन लेकिन चलता रहता है। लेकिन उसी बुरे में से हमको अच्छे लोगों की तलाश करनी है या उम्मीद करनी चाहिए। एक उनका दोहा है और वह इस बात को और पुष्ट करता है, वे कहते हैं कि बस कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जी सोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो परोस। ख्याल करिएगा जब वे बात कहते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि सदा पड़ोसी के गुण और अपना दोष देखिए। रहीम ने यही बात कही कि जो रावण है और जो समुद्र है, ख्याल करिएगा रावण की जब बात करते हैं तो समुद्र को साथ लेकर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे बुरे लोगों के साथ रहकर आप कुशलता की उम्मीद नहीं कर सकते, वैसे ही समुद्र के पड़ोस में रावण रहने लगा था, लगा तो समुद्र की महिमा घट गई। उन्होंने यही कहा ना कि महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो परोस, परोस मतलब पड़ोस।
अर्थात राम की सेना जब लंका पहुंचती, ख्याल करिएगा, पड़ोस में अगर कोई बुरा आदमी आपके बसा है तो आप न चाहते हुए भी आपको भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यह बात रहीम के मित्रों अगर आज के इस जीवन संदर्भों में हम जोड़ कर देखें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रहीम हमारे समाज के प्रत्येक घर परिवारों तक जाते हैं। अगर मैं घर परिवार की आपसे बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक है कि आप अपने पड़ोस को देखिए, गांव में उन लोगों को देखिए जो ऐसे लोग बसे होंगे। आप सूरदास भी तो कहते हैं ना कि काजल की कोठरी, अगर आप उसमें जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप बेदाग निकलेंगे, हो सकता है कि आप ऐसे कुछ कार्य में संलग्न न हों, लेकिन यह तो बात सच है कि आपके ऊपर भी आक्षेप आ जाएगा या कोई बात होगी तो लोग कहेंगे कि आप इनके पड़ोसी हैं, आप तो जानते होंगे, आप तो इनके क्रियाकलापों को, क्रियाविधि को जानते होंगे, जबकि आपसे कोई सरोकार नहीं। लेकिन रहीम की यह बात मित्रों कहीं न कहीं कितनी प्रासंगिक है, और प्रासंगिकता के साथ वह हमारे आज के जो लोक ज्ञान है, लोक ज्ञान के साथ साथ जो आज हम परिवारों में, समाजों में देख रहे हैं, यह कॉन्सेप्ट उनका बड़ा जुड़ता है। और ऐसा लगता है कि मानो रहीम 1556 और 1627 में के बीच में जो देख रहे थे वह शायद आज के समाज की वह संकल्पना कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मित्रों से मिलते हैं और लगता है कि उनसे मनमुटाव हो रहा है, उनसे दुराव हो रहा है, तो रहीम की यह बात बड़ी अच्छी लगती है। बिगरी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगरे दूध को मथे न मक्खन होए। वे कहते हैं कि अगर बात बिगड़ गई, लाख उपाय करिए तो वह बनती नहीं है, वह उस बात को संवारा नहीं जा सकता। जैसे फटा हुआ जो दूध है, आप उसे लाख मथिए, उसमें से मक्खन नहीं निकलने वाला। मतलब मक्खन निकालना है तो आप फटे दूध से मक्खन नहीं निकाल सकते। मक्खन निकलेगा लेकिन उसकी विधि और उसका स्वरूप दूसरा होगा। अर्थात जब बात बिगड़ती है तो मित्रों एक मनमुटाव आ जाता है, हो जाता है। तो हमारे जीवन में यह एक बात यह बने कि कभी भी ऐसा कोई अवसर ही ना आने दें जहां बात बिगड़ने की डर हो। नहीं तो रहीम हमको बार बार आएंगे। शायद मैं आपसे कह रहा था क्या यह रहीम की मैनेजमेंट क्षमता नहीं है, प्रबंधन क्षमता नहीं है कि वह हिंदी के होते हुए भी आपको ऐसे नुक्से देते हैं, आपको ऐसे सोचने के लिए कुछ छोटे छोटे दोहे देते हैं जिनसे हमारा रोजमर्रा का नाता है। हमारा रोज एक होता है कि आज उनसे मेरा मन मुटा हो गया, उनसे मन फूल गया, आज उनसे मेरी नहीं बनी, उनसे नहीं बनी। तो रहीम कहते हैं कि ऐसा नौबत ही क्यों आने दे कि हमारा किसी से दुराव हो, हमारा किसी से मनमुटाव हो, क्योंकि एक बार हो गया तो रहीम के उस दोहे को भी याद कर सकते हैं कि रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, जुड़े सो जुड़े, मतलब गांठ पड़ जाए। उसमें उसकी जो संकल्पना है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह उससे ज्यादा प्रभावशाली है इस अर्थों में कि बात को बिगड़ने देना और बात को बिगड़ने देने से पहले बना देना। शायद रहीम उसी प्रकार के एक कारीगर हैं जिसको ये कहते हैं कि बात बनाए रखिए, बात को बिगड़ने ही नहीं दीजिए। मित्रों कई बार ऐसा आता है जब हम बुरे दौर में जी रहे होते हैं, कई लोग कहते हैं सर इस समय हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों सर? हम जो भी करते हैं वह जो है निगेटिव ही होता है, नकारात्मक होता है, सकारात्मक नहीं होता। यह हमारे आपके मन में कई बार आता है। और ऐसा नहीं कि कोई ऐसा जीवन हो जो 100% बेहतर, भाई ऊंच नीच तो होता ही रहता है। अगर हम रहीम को देखें तो उन्होंने क्या हमको प्रबंधन कला सिखाई है, मतलब कैसे हम दृढ़ रहें, कैसे हम अपने को बचाए रहें निगेटिव जो धारणाएं हैं, जो नकारात्मक तत्व हैं, उनसे हम कैसे बचे रहें। उन्होंने कहा कि रहीमन असमय के परे
हित अनहित हो जाए। बधिक बधे मृग बान सो रुदय देत बताए। ये बहुत अच्छा दोहा। मैं जब अजय से कहा कि मैं प्रबंधन क्षमता बात करूंगा तो मैंने ऐसे कुछ दोहों को चिन्हित किया कि उनमें जो एक पारखी दृष्टि है। और कहा जाता है कि जहां रवि नहीं पहुंचता वहां कभी पहुंचता है। मैं समझता हूं कि रहीम उस प्रबंधन कला के विशेषज्ञ हैं, भले वो MBA MCA नहीं किए, लेकिन उनकी जो दोहों में एक जो लोक का ज्ञान है, लोक के साथ साथ जब वे लोक से जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं लोक प्रभावी जो बातें हैं रहीम की वह हमको प्रभावित करती हैं। अगर उन्होंने कहा कि बुरे समय में आपके अच्छे लोग भी आपके शत्रु बन जाते हैं और भलाई जो है आपकी बुराई बदल जाती है। अब कैसे? उन्होंने समझाया कि बधिक बधय मृग बान सो रुदय देत बताए। अगर शिकारी के बाण से तीर से अगर हिरण घायल हो जाता है और वह जाके झाड़ी में छुपता है तो जानते हैं उसका उसके जो रक्त की बूंदें बता देती हैं कि हिरण कहां छुपा हुआ है। इस प्रकार वे कहते हैं कि रक्त ही उसका शत्रु हो जाता है। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि जो अपने लोग होते हैं वे ही आपके शत्रु हो जाते हैं। अब हिरण को क्या मालूम कि जो उसका उसके शरीर का जो रक्त है वह रक्त जहां झाड़ी में छिपेगा वह टपकते हुए जाएगा तो शिकारी को बता देगा कि हिरण कहां झाड़ी में छिपा हुआ है। अर्थात जो आपके अपने होते हैं वही जब बुरा दौर आता है, खराब समय आता है, तो आपके अपने ही अलग हो जाते हैं। जिनको आप अपना कहते हैं वे आपके नहीं होते, वही आपकी जो पोल पट्टी होती खोलते हैं। जैसे कि हिरण का जो रक्त है वो बताता है कि कहां छुपा हुआ हिरण। मित्रों इतना ही नहीं, जब मैं आपसे कहता हूं कि समय की बात मैंने आपसे किया तो कई बार ऐसा होता है हम लोग यह पूछते हैं कि कौन सा समय अच्छा रहेगा, उचित समय में कौन सा उचित कार्य किया जाए। अब यह बात हमको या पहले से लोग कहते हैं जब हम कोई कार्य शुरू करें तो शुभ मुहूर्त में करें, शुभ घड़ी में करें और सकारात्मक सोच के साथ करें, नकारात्मक भाव न हो। तो रहीम ने कहा कि रहीमन कुटिल कुठार ज्यों करी डारत द्वय टूक, चतुरन को कसकत रहे समय चूक की हूँ। उन्होंने कहा कि उचित समय को पहचान कर जान कर आपको कार्य करना चाहिए, नहीं तो अगर समय चला जाता है, बीत जाता है, गुजर जाता है तो आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। जैसे जो तेज धार वाली कुल्हाड़ी जब लकड़ी को काट देती है, वैसे ही समय की अगर चूक को जो चतुर लोग होते हैं जब वह भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो लोग कहते हैं कि काश मैं समय के भीतर यह कार्य कर लिया होता। और आप भी जानते हैं गुजरा समय वापस नहीं आता। इस प्रकार आपको या हमको किसी को भी एक कसक जीवन सालती रहती है कि काश समय पे हमने वह कार्य कर लिया होता। मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अगर रहीम के हम नजरियों को देखें तो मैं मानता हूं कि वह MCA और MBA से बेहतर उनके पास कवि कला है, काव्य कला है। शायद यह बात अगर मैं आपके हवाले आप तक यह बात कह रहा हूं तो दिनकर जी भी यही कहते थे कि रहीम का जो दोहों का मारक क्षमता है, जो दीने इलाही में अकबर को नहीं दिखता, वह आपके रहीम के दोहों में जो हिंदुत्व की बात आती है, जो भक्त की बात आती है, वह रहीम के दोहे में देख सकते हैं। अर्थात रहीम का किसी से बैर नहीं, किसी शत्रुता नहीं, न कहूं से दोस्ती न कहूं से बैर है। रहीम तो समय के साथ चलते हैं और समाज उन्मुखी जो उनकी बातें हैं वह कहीं न कहीं समाज को प्रेरित करती है। और यही प्रेरणा रहीम को दोहों में अगर देखें तो उनके दोहे कहीं न कहीं हमको
या आपको किसी को भी समाज के साथ, परिवार के साथ, भारतीय जो प्रेम अवधारणा है, हमारी संस्कृति है, उसके साथ वे चलने के लिए कहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब हम संबंधों की बात किए आपसे, समय की बात किए, तो कई बार जब हम कार्य करते हैं, कार्य को जब हम करते समय असफल हो जाते हैं, तो क्या कह रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते बहुत हैं, सुनते किसी की नहीं। कहा जाता है किसी की सुनना भी चाहिए, और स्वाभाविक है जब बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो हो सकता है कि बोलते वक्त त्रुटियां होंगी। और कहा जाता है कि सुनना भी एक अच्छे वक्ता का गुण होता है। शायद यह बात रहीम समझ रहे थे, जान रहे थे, और वे कह रहे थे कि रहीमन जिहुआ बावरी कहिगे सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूता जूती खात कपाल। कई बार हम ज़्यादा बोल जाते हैं, ज़्यादा बोलने का सेंस है कि जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोल जाते हैं। जब आप ज़्यादा बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि आप गलत बोलेंगे, और जब गलत बोलेंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो वे कहते हैं कि रहीमन जी हुआ बावरी कहिगे सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। कहा उन्होंने कि अगर आप शब्दों को तौल मोल के नहीं बोलते तो स्वाभाविक है जो शब्दों की मार होती है बड़ी गहरी तक होती है, साथ में घाव तो भर जाता है। कहा जाता है ना कि घाव तो भर जाता है, लेकिन जो शब्दों से लगा घाव है वह जीवन भर दर्द देता है, टीसता है। और यह जीभ, जीभ ही तो क्या करती है, बोलती है। तो स्वाभाविक है जीभ तो पागल है, जो कुछ भी बोलकर वह अंदर मुंह के अंदर चली जाती, और जूता कहां पड़ता है, वह सिर को खाने पड़ते हैं। जूता खाने का मतलब है कि आपको यह बार बार उलहना दिया जाता है कि आपने ऐसा बोला कहा। और कहा जाता है कि एक बार अगर तीर कमान से निकल जाए और जो बात अगर मुंह से निकल जाए तो स्वाभाविक है फिर वह लौट कर वापस नहीं आता। अर्थात रहीम का यह कहना कितना सारगर्भित है, प्रासंगिक है कि हम जो कुछ भी बोलें वह समय को देखते हुए, उस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ही बोलें, नहीं तो आपके ऊपर क्या बीतेगी वह आप नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने 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 कहा कि समाज को लेकर भी उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि रहीमन निज मन की भी था, मन ही राखो गोय, सुन उठ लही हैं लोग सब बांट लही हैं कोय। कई बार ऐसा होता है हम जिसको अपना समझते हैं, अपना समझ के कहते हैं, वह भी आपका नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह आपके जब पीछे जाता है तो वह भी आपका हंसी मजाक उड़ाता है। और वे कहते हैं कि रहीमन मन की भी था, जो आपके दुख दर्द है उसे किसी के सामने प्रकट मत करिए, मत कहिए। अगर कहेंगे तो क्या होगा, सामने वाला आपका मखौल उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा। वह आपका सच्चा हितैषी नहीं है, वह अपनी जो आपकी पीड़ा है उस पीड़ा को आप अपनी ऊर्जा बनाइए और स्वयं से उसकी मुकाबला करिए। रहीम ने कितनी बड़ी बात कही कि जो आपकी पीड़ा है उस पीड़ा को आप अपनी ऊर्जा बनाइए, उसको अपना कमजोरी का पक्ष मत बनाइए, उसे आप दूसरे से मत बांटिए कि मुझे ये संकट है, मुझे ये हुआ। आप किसी से मत कहिए, नहीं तो लोग यही समझेंगे कि देखो ये तो दिन भर रोता रहता है, इसके पास इतने संकट हैं, इतने दुख हैं। उन्होंने कहा अपनी पीड़ा को आप अपनी ऊर्जा बनाइए। स्वाभाविक है जब आप ऊर्जा बनाएंगे मित्रों, तो आप कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, आप उस संकट से लड़ लेंगे, आप उस दौर को परास्त कर देंगे। और यही नहीं, उन्होंने संबंधों पे जो बात कही, समाज पे कही, परिवार पे कही, मित्रता पर कही, आपके धैर्य धारण पर करने कही, उन्होंने जो संबंधों पे बात कही कि रहीमन प्रीत न कीजिए जस खीरा ने कीन,
ऊपर सो तो दिल मिला भीतर बाक फाके तीन। उन्होंने कहा मित्रों कि प्रेम जैसा बाहर करो वैसा भीतर से करो। जब आज इस युग में हम कहते हैं कि छल प्रपंच बहुत हैं, कपट बहुत हैं, क्योंकि अंदर कोई किसी के नहीं झांकता, तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर क्या है यह आप नहीं जानते। आपके अंदर कितना छल प्रपंच भरा हुआ है, सामने वाला उसको किस रूप में ले रहा है। लेकिन प्रेम तो वह है ना कि जो भाव से उत्पन्न होता है, प्रेम जबरदस्ती उत्पन्न नहीं होता। उन्होंने कहा प्रेम जैसा आप करिए, जैसा बाहर हो वैसा भीतर हो। अगर आप मुंह से बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर भी वैसा प्रेम रहे। प्रेम में जो छल कपट है उसका स्थान नहीं। अगर मित्रों छल कपट है तो स्वाभाविक है वह प्रेम हो ही नहीं सकता, वह तो स्वार्थ पर टिका हुआ प्रेम। और उन्होंने उदाहरण दिया कि खीरे जैसा कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। ख्याल करिएगा, हमारा आपका ध्यान जाए न जाए, हम लोग तो सीधे खाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा खीरे को देखिए, खीरा बाहर से जैसा दिखता वैसा अंदर से नहीं होता। उन्होंने कहा ऊपर से दिल मिला भीतर फांके तीन। खीरा के अंदर क्या होता है मित्रों, तीन फांके होती, अर्थात प्रेम बाहर और अंदर दोनों से निर्मल होना चाहिए। हम प्रेम खीरे जैसा करते हैं, मतलब देखने में कुछ और होता है, उसके अंदर कुछ और होता है, अर्थात रहीमन, रहीम की पूरी बातें जो वे कहते हैं। कहीं ना कहीं आज के इन अगर हम प्रासंगिक समय के अनुसार उसका अध्ययन करें, मूल्यांकन करें, तो स्वाभाविक है कि संबंधों में, समाज में या गुरु शिष्य के रिश्तों में गिरावट हर जगह आई। लेकिन यह कहने से गिरावट आई है, लेकिन यह कहने से कैसे हम उसको सुधारें, हम उस पर देखें और वह रहीम के इन दोहों के साथ देखें, तो मुझे लगता है कि हम संस्कृति और समाज और प्रेम, हम इन सबके साथ। उन्होंने उनका यह एक दोहा कि रहीमन यह तन सूप है लीजे जगत पछोर, हलकन को उड़ जान दे गरु राख बटोर। हम कहते हैं जब किसी से कि हमारे पास तो मित्रों की फौज है, लेकिन ख्याल करिएगा एक कोरोना काल था, कई लोगों को सिखा दिया होगा कि आपके पास कितने मित्र हैं, मुट्ठी भर भी नहीं। यह सिखा दिया होगा कि जो आपकी दुनिया बनी बनाई है ना, जब आप गौरवान्वित होते हैं कि आज इतने लोग मेरे साथ थे, इतना वो था, जब सही मूल्यांकन का समय आता है तो कौन आपके साथ रहता है, कौन आपका साथ देता है, वही आपका मित्र है। और लेकिन उन्होंने कैसे इसको लोक से जोड़ा। आप सारे लोग सूप जानते हैं, जहां सूर की गोपियां भी कहती कि उधो तुम्हारा जो निर्गुण है वह सूप का फटकन है, ऐसे ही रहीम कहते हैं रहीमन यह तन सूप है लीजे जगत पछोर। जगत पछोर मतलब जगत का मूल्यांकन करना, पछोड़ना मतलब फटकना। कहते हैं यह शरीर जो है यह सूप के समान, और इसमें जो भक्ति भाव है और जो सत्य ज्ञान से इसको क्या करिए, पछोरिए, फटकिए, मूल्यांकन करिए, अर्थात मोह माया आदि जो विकार है उसको उड़ा दें, खत्म कर दें। और तथा जो ज्ञान और भक्ति के जो सुघड़ जो दाने हैं, जो ठोस हैं, उनका संग्रह करिए। अर्थात आपके पास दो ही चार लोग हों, लेकिन जो लोग हों मित्रों आपके पास आस पास या आपके संग साथ, वह क्या हो, मजबूत हो, उस सुघड़ दाने की। सुघड़ दाने का मतलब जो दाना स्वस्थ होता, जो पहिया नहीं, ऐसे लोग हों, फौज ना हो आपके पास, ऐसे लोग हों जो आपके दुख सुख में शरीक हो। ऐसा नहीं है कि आप फौज बनाइए, उस पे आप खूब गर्व करिए, लेकिन जब साथ देने की बात आए तो सूप के फटकन के समान निकल गए। ऐसे लोगों का आप संग्रह न करिए। मैं आपसे शुरू में ही कहा, क्या मैनेजमेंट है रहीम का, क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है। आज जब इस भागम भाग जीवन में कहा जाए स्वार्थ परक जीवन, सबकी अपनी एक लालसा है, सबकी एक अपनी इच्छा है,
और इच्छा के साथ साथ सबकी एक जिज्ञासा है, जब वह टूटता है तो लोग भाग खड़े होते हैं। शायद जो लोक व्यवहार है वह रहीम का लोक व्यवहार हमको लगता है वह एक प्रकार से ऐसा लोक व्यवहार है उन्होंने खुद परखा था, उन्होंने देखा था, जिया था। ऐसा लोक व्यवहार जब वे प्रेम की बात करते हैं, उस लोक व्यवहार को जोड़ते हैं, तो उन्होंने कहा रहमन रिस सही तजत नहीं बड़े प्रीत की पौर मुकन मारत आवह नींद बिचारी दौर। बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ नींद सबको प्यारी, नींद सबको अच्छी लगती। उन्होंने कहा रहमन रिस सही तजत नहीं, उन्होंने कहा कि जिनसे हम सच्चा प्यार करते उसका क्रोध सहकर भी उसको हम त्यागते नहीं, तजत त्यागते नहीं है, बड़े प्रीत की पौर, और जो सच्चा प्यार होता उसको त्यागा नहीं जाता। फिर उन्होंने कहा मुकन मारत आवह नींद बिचारी दौर, उन्होंने कहा कि जैसे नींद को लाख भगाओ लेकिन मौका मिलते ही वो फिर चली आती है, हमें वो छोड़कर नहीं जाती। अर्थात जो नींद है जैसे हमको प्यारी है, वैसे आप अगर किसी से सच्चा प्यार करते हैं, कुछ बात हो जाती है, क्रोध आपको आ जाता है, तो उसको छोड़ना नहीं, अर्थात छोड़ेंगे तो एक अच्छा मित्र साथी खो देंगे। इस परिप्रेक्ष्य से उन्होंने कहा कि नींद कुछ भी हो, हमको नींद आती हो हमेशा प्यारी होती, हम कहीं सो लेते हैं, हमें नहीं कहते हैं कि मत आओ। और जो लोगों को नींद नहीं आती वही जानते हैं कि जो नींद की गोली खाते हैं, कहते हैं हम तो रात रात भर ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। अर्थात जो जिससे लगाव है, प्रेम है, स्वाभाविक है कि वह प्रेम त्याज नहीं है, छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको पकड़ना है, रखना है। मित्रों जब हम दया परोपकार की बात करते हैं, कहते हैं सर वो बहुत दयालु हैं, परोपकार हैं, फलाना ढिकाना जो कुछ, ख्याल करिएगा कई बार ऐसा होता है जब हमको जरूरत होती। अब मैं तो कहूंगा कोरोना काल से लेकर मैं तो उसके बीच में रहा हूं, कई बार जो आपको देने की बात करते हैं, जो दया और परोपकारी होते हैं, इस कोरोना काल में उनका एक चेहरा, सच का चेहरा सामने आ गया। जो मुख से तो अच्छा बोलते हैं लेकिन जब कार्य करना होता है, कार्य की परिणति को अंजाम देना होता है, तो फिर आपका कहीं उनका अता पता नहीं होता। फोन हो तो या स्विच ऑफ मिलेगा या न टिचेबल मिलेगा, लेकिन वह आपके साथ रिचेबल नहीं मिलेंगे। रहमन ने कहा कि रहमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाए, उनसे पहले वे मुहे जिन मुख निकसत नाए। कितनी बड़ी बात है, उन्होंने कहा रहीम किसी के साथ याचना करना, मांगना, अगर आप मांगते हैं तो आपका स्वाभिमान खत्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा उनसे जो लोग मांगने जाते हैं उनका स्वाभिमान खत्म होता है, लेकिन उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाय, जिनके मुख से मित्रों क्या निकलता है कि हम नहीं दे सकते, हम नहीं देंगे। अर्थात किसी ने अपने स्वाभिमान को त्याज कर वह मांगने गया, और जिससे मांगने गया उसने उनके मुख से पहले निकल गया कि हम नहीं देंगे। ख्याल करिएगा कोरोना का यथार्थ यही है। अगर वो आपको फोन भी करते हैं ना, मेरा तो सच का यथार्थ है, कई लोग आपको फोन भी करते थे जिनके घरों में ऐसा हुआ था, उनसे वे तुरंत कहते ठीक है बस रख देते थे, या कहते थे हलो हलो आवाज नहीं आ रही, मतलब आप उनसे कुछ कह न दीजिए, कुछ मांग न दीजिए, क्योंकि वह जो रिश्तों का स्वार्थ है, संबंध है मित्रों, वह उनका जो भेद है खुल जाएगा। और यही जो असली और नकली का चरित्र है, शायद रहीम हमको वहीं बता रहे होते हैं कौन असली है कौन नकली है। और रहीम की जो संबंधों की पहचान है, मैं समझता हूँ कि उनके दोहे, उनके सोच, असलियत की धरातल पर अगर हम दोहों को पढ़ते हैं तो वह
जीवन और जगत के साथ साथ जो यथार्थ की भाव भूमि है वह हमको सच्चे रूप में देखने को मिलती है। यही नहीं, जब वे कहते हैं, उनकी कविता कहती है कि रहीम की कविता मानव को करने योग्य और न करने योग्य बातों का स्मरण कराती है। अर्थात रहीम के दोहे सिर्फ कई लोगों से जब हम पूछते हैं या बात करते हैं कि आपने किसी को पढ़ा, तो लोग कहते हैं हाँ सर वो किताब बहुत अच्छी है, सर उसको मैंने रात में पढ़ रहा था, एक ही पेज पढ़ा तब तक नींद आ गई, बगल में रख के सो गया। मतलब वह पुस्तक आपको नींद दिलाने के लिए है, वह आपकी पुस्तक ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। कई बार कई लोग कहते हैं सर एक पुस्तक मैं बहुत अच्छी खरीदा, एक पेज पढ़ा तब तक नींद आ गई। अर्थात वह पुस्तक नींद आपको देती है, ज्ञान नहीं देती, यथार्थ नहीं देती। करने योग न करने योग बातों का अगर वो स्मरण नहीं कराती तो कैसे हो वो पुस्तक अच्छी है या नहीं अच्छी है। मित्रों रहीम के दोहे यह बात आपको जरूर बताते कि अगर हमको समाज में जीना है रहना है तो समाज के जितने द्वंद्व हैं और द्वंद्व के साथ जो हमारे जीवन का विवेक है वह विवेक जीवन में कितना छल प्रपंच है, झूठ है, सत्य फरेब है, उसकी तरफ भी बात करते हैं। मित्रों मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने सुना, एक बात अपनी और कहूँगा आपसे। वे कहते हैं कि रहीमन खोजे ऊख में जहाँ रसनन की खान, जहाँ गाठ तह रस नहीं यहीं प्रीत में हान। कैसे कोई प्रेम में छला जाता है। लोग कहते हैं ना सर हम बहुत प्यार करते थे लेकिन सर उधर से रिस्पांस नहीं मिलता था। अर्थात प्रेम में छला जाना। रहीम ने कहा रहीमन खोजे ऊख में जहां रसन की खान, अर्थात जो गन्ना होता है ऊख आप जानते हैं। मैं कहता हूं कि रहीम एकदम लोक के कवि, लोक में उन शब्दों या उन विषय वस्तुओं से उनका सरोकार रहा है जो आज की पीढ़ी को नहीं मालूम कि यह ऊख क्या है, गन्ना क्या है। रहीम कहते हैं कि जो गन्ना होता है रस का भंडार होता है, लेकिन उस गन्ने का जहां गांठ होता है, गांठ ख्याल करिएगा, वहां रस नहीं होता, वहां रस का अभाव होता है। यही कारण है कि गन्ना को चूसते समय हम गांठों को अलग कर देते हैं। इसीलिए जब प्रेम में गांठ या छल कपट या अलगाव की स्थिति जब पैदा हो जाती है तो मित्रों वह प्रेम प्रेम नहीं रह जाता। प्रेम में निर्मलता जरूरी है, प्रेम में भाव जरूरी है, समर्पण जरूरी है। शायद रहीम यह बात आज के संदर्भों में कह रहे थे। जब हम मनुष्य मनुष्य को नहीं पहचानते, जब कहा जाता है कि हमारी इंसानियत खतरे में, तो स्वाभाविक है हम कैसे एक दूसरे को समझें, हम कैसे एक जो हमारे सामने घेरा है, खांचा खींच दिया गया है कि आप इसी में रहिए, हम कैसे उसको तोड़ें, हम कैसे उसके बाहर जाएं, कैसे हम समाज में अपनी बात कहें, दूसरे तक पहुंचाएं। और कहा जाता है कि जो मूर्ख या दुष्ट लोग होते हैं उनको आप वैसे जीत नहीं सकते, उनको आप सहजता से सरलता से जीत सकते हैं, क्योंकि वह तो अपने क्षेत्र का वह मास्टर है। आपको मैं आपको या हमको वह मास्टर नहीं बनने की जरूरत है, हमको प्रेम के क्षेत्र के मास्टर बनने की जरूरत है। और शायद प्रेम ही ऐसा मार्ग जो आपको हर मंजिल पर पहुंचा सकता है। मित्रों अगर मैं यह कह रहा हूं तो स्वाभाविक है कि यह मेरी बात रहीम के हवाले से है। और रहीम जब कहते हैं कि प्रेम का धागा नहीं तोड़ना है, तो स्वाभाविक है कि प्रेम धागा से लेकर, धागा मतलब जो सुई धागा जो आज लुप्त हो रही है, ख्याल करिएगा रहीम उन लुप्त होते हुए प्रेम को बचाने की गुहार करते हैं, अपने दोहों में उसकी बात करते हैं। और कहीं न कहीं वे हमारे अंदर दया परोपकार आदि की भावना को यह दोहे हमारे जीवन को जितना सुगमता
या कहीं सुंदरता देने वाले हैं, शायद अगर रहीम की चर्चा करें हम अपने घर परिवार से जोड़कर, समाज से जोड़कर, तो कहा जाए कि जो हमारा जीवन है वह जीवन छल कपट से परे होना चाहिए, प्रपंच से दूर होना चाहिए। और उन्होंने कहा, ओछे को सत्संग रहिमन तजौ अंगार ज्यों, तातो जारे अंग सिरे पे कारो लगे। उन्होंने कहा, ओछा या जो नीच आदमी का साथ है वह अंगारे के, अंगार जो होता है, जो आंग होती है, अंगीठी होती, उसके उसके समान, उसके चलने जैसा होता है। जैसे अंगार आपके शरीर को जला देता है, वैसे ही जलाएगा भी और आपके शरीर पर कालिक भी लगा देगा। वैसे ही जो नीच लोगों की संगति मित्रों, वह आपके बुद्धि को कलुषित करेगी, और यही नहीं आपके ऊपर वह कलंक का धब्बा भी लगा देगी। अर्थात यह जो जीवन जीने की कला है, मैंने आपसे कहा कि रहीम के दोहे जीवन जीने की कला सिखाते हैं, रहीम के दोहे आर्ट हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन के। और स्वाभाविक है कि रहीम के इन दोहों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सीखने के साथ साथ हमारे जो जीवन में बदलाव, लोग कहते हैं ना कि बदलाव लाइए, बदलाव कैसे लाएं? बदलाव कोई जादू की छड़ी नहीं, छुई बदलाव हो गया। बदलाव ऐसे ही कवियों के संगत से होती, उनके दोहों से होती। और अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो ख्याल करिएगा, उन्होंने कहा कि रहमन मोहिन सुहाय अमी पिहावत मान बिन वरु बिस देव बुलाय मान सहित मरिबो भलो। उन्होंने कहा कि मुझे अपमानित करके अगर कोई अमृत पिलाए तो मुझे वह अस्वीकार है। ख्याल करिएगा, जब आज हम लाख प्रलोभन लालच के आ जाता है कि एक कर दीजिए तो मैं एक कर दूंगा, हम उस बहकावे में आ जाते हैं, हम वो कार्य करते हैं, भले बाद में हमको पछतावा होता है, लेकिन उस समय वह कार्य हम करते हैं, तो स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपमानित कर कोई अगर अमृत भी पिलाए तो अस्वीकार है, स्वीकार नहीं। क्यों? उन्होंने कहा, इससे तो बेहतर यह होता कि वह घर बुलाकर सम्मान सहित विष पिला देता। कितनी बड़ी बात है, जब हम लोग कहते हैं कि हम मान सम्मान को ऊपर रखते हैं, लेकिन मान सम्मान हम जब बेच देते हैं, तो यह कवि यह कर रहा है, कह रहा है कि मान सम्मान के साथ मुझे मरना मैं बेहतर समझता हूं, लेकिन मान सम्मान से मैं समझौता नहीं कर सकता। यह बात कबीर के यहां भी, सूर के यहां भी। मित्रों बात लंबी होगी, लेकिन सूर की गोपियों को देखिए, कबीर को देखिए ना, अहंकार उतारने की बात करते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं, तुलसी को पढ़ सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जब ये रहीम कहते हैं कि अपमानित करके कोई हमें अगर अमृत भी देगा तो हम नहीं पियेंगे, यह वह समय है जब हम अपने स्वार्थ को रख कर हर चीजों का मूल्यांकन करते हैं। उस समय समझना चाहिए कि आत्म सम्मान भी कोई एक चीज होती है, उससे हम समझौता नहीं कर सकते। शायद रहीम आपको, अगर मैं कहा कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं, तो यही रहीम हैं जो आपको आपके बेहतरी के लिए बात करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो सांसारिक जो मुक्ति की बात करते हैं, जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, जब उस पे हम बात करते हैं तब भी रहीम याद आते हैं। और वे कहते हैं कि चूल्हा दिनों बार नात रहो सर गयो, रहिमन उतरे पार भार झोंक सब भार। उन्होंने कहा कि जो सांसारिकता से मुक्ति पाने के लिए रहीम ने चूल्हा जलाया और उसमें सारे रिश्ते नाते को जला दिया, पर जो मोह माया और जो विकार का बोझ था उसे उन्होंने भाड़ में झोंक दिया ईंधन बना के। अब प्रभु मिलने से कोई नहीं रोक सकता, अर्थात जो विकारों से निवृत्त है, विकारों से निवृत्ति है, तभी आप प्रभु के पास जाएंगे और आप किसी के भी प्रति आपके अंदर भाव उपजेगा, प्यार का या सम्मान का या मान का। अर्थात आपको सबसे पहले स्वार्थ को जलाना होगा, आपके अंदर के अहंकार घमंड को जलाना होगा, तभी आप समाज के
या घर परिवार के रिश्ते नाते को के डोर को आप समझ सकते हैं। ख्याल करिएगा, जब मैं यह बात आपसे कह रहा हूँ तो स्वाभाविक है कि रहीम को जिस रूप में हम देखते हैं, एक रूप उनका जो पूरा मैंने समाज के लिए दिखाया, एक रूप उनकी भक्ति का है, एक रूप जो संबंधों का है, एक रूप उनका वह है जब वे कहते हैं, खीरा को सिर काट के मालियत कौन लगाए, रहमन करवे मुखन की चाय यही सजाए। उन्होंने कहा कि जो खीरे का ऊपरी सिर काटकर उस पे नमक मल दिया जाता है कि जो कड़वापन है उसका दूर हो जाए, शायद खीरे को यही सजा दी जाती है। अर्थात जो कड़वा बोलता है उस कड़वा बोलने वाले को सजा जरूर मिलती है, बस समय की प्रतीक्षा करिए। जिस समय की बात रहीम करते हैं कि देख दिनन के फेर जब नी के दिन आई है, तो आज रहीम को जिस परिदृश्य में हम पढ़ रहे हैं, उनके मैनेजमेंट, उनका जो प्रबंधन है और प्रबंधन क्षमता जो है वो हमारे लिए उपयोगी होगी अगर हम रहीम को नए दृष्टि पढ़ें। मैं बार बार कहता हूँ, किसी कवि को, लेखक उपन्यासकार को, हम कवि को या किसी को भी हम नए नज़रिए से पढ़ें, नए दृष्टि से पढ़ें, शायद रहीम के है दोए हमको एक नई दृष्टि भी देते हैं और एक नई सोचने की दिशा भी देते हैं। मैं समझता हूँ कि आज इतना ही काफ़ी, क्योंकि रहीम ने कहा कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपको समझाया कि जो ज़्यादा बोलता है वो गलत बोलता है, रहीम ने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं समझता हूँ कि मैंने लगभग एक घंटा आपसे बातचीत किया और यह अजय का प्रेम था और साहित्यिक बतकही जो पेज है, इसके जितने साथी मित्र हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, और जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हम सुन रहे हैं, उनका विशेष आभार, क्योंकि आपको देखकर ही शक्ति आती है। स्वाभाविक है, अगर मैंने एक घंटा बोला तो आप लोगों को देखकर ही बोला। अगर मैंने कुछ ऐसी बात कही हो, सहमति असहमति होनी चाहिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि असहमति नहीं होगी तो फिर कैसा विवेक। तो मैं जो कुछ समझ पाया था, पढ़ पाया था रहीम को लेके, वह आपके सम्मुख रखा। अब मूल्यांकन आपके हाथों में है। तो मैं सबका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और